समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी में बीजेपी की मोदी योगी सरकार पर मुसलमानों का अधिकार छीनने का इल्जाम लगाया है। उनकी ये टिप्पणी ऐसे वक्त में आई है जब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन के लिए संसद में विधेयक लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। अखिलेश ने कहा कि हम इस संशोधन के विरोध में हैं। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी का काम सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को बांटना है, वो सिर्फ मुस्लिम भाइयों के अधिकार छीनना चाहती है। यही वजह है कि बीजेपी इस पर काम भी कर रही है कि कैसे मुसलमानों को संविधान से दिए गए अधिकारों को छीन लिया जाए। सपा मुखिया ने पार्टी के दिवंगत सांसद जैनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आयोजित एक प्रोग्राम में तमाम बातें कही। या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए, उनकी अधिकार जो मिले हैं, जिन्हें आजादी के अधिकार है या उनके स्वतंत्र जो अधिकार है, उनके अपने धर्म को लेकर के अपनी कामकाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। जबकि सरकार का मानना है कि ये संशोधन वक्फ के कामकाज में पारदर्शिता और अधिक जिम्मेदारी व पारदर्शिता लाने के लिए किया जा रहा है, साथ ही इससे इन निकायों में महिलाओं की भी भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। इस संशोधन के तहत वक्फ बोर्ड को उनकी प्रॉपर्टी जिला कलेक्टर से रजिस्टर करवानी होगी ताकि उसके वास्तविक मूल्य तय किया जा सके। अखिलेश ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि पहले मोदी सरकार ने एंग्लो इंडियन के अधिकार छीने। एंग्लो इंडियन के लिए पहले लोकसभा और विधानसभा में एक एक सीट रिजर्व रहती थी, लेकिन मोदी सरकार ने फर्जी जनगणना के सहारे एंग्लो इंडियन के लिए आरक्षित इन सीटों को भी छीन लिया। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी नजूल प्रॉपर्टी बिल को लेकर घेरा। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं। उन्हें लगा कि नजूल उर्दू शब्द है, जबकि अफसरों ने नजूल के बारे में उन्हें समझाया भी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, नजूल का मतलब मुसलमानों की जमीन होती है। सोचो, ये सिर्फ एक उर्दू शब्द नजूल के कारण पूरे प्रयागराज और गोरखपुर को खाली करवा रहे हैं। गोरखपुर में तो इनको और इनके कुछ साथियों का व्यक्तिगत इंटरेस्ट भी है। नजूल विधेयक को राज्य सरकार ने ऊपरी सदन में पेश किया था, जहां बीजेपी के कुछ नेताओं के विरोध के बाद ये पास नहीं हो सका। हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार है सरकार के, उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नजूल उर्दू शब्द है। उन्हें समझाते रहे अधिकारी कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नजूल मतलब मुसलमानों की जमीन है ये। सोचो, जो व्यक्ति केवल उर्दू के शब्द नजूल को लेकर के पूरा का पूरा प्रयागराज खाली करा रहे थे, पूरा गोरखपुर, और गोरखपुर में अपना स्वार्थ है उनका कुछ, या उनके सहयोगी साथियों का स्वार्थ है, उसकी वजह से बताइए उर्दू का शब्द नजूल। तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। तो ये बात आपको भी समझ में आ रही है, लेकिन हम लोग इसके खिलाफ रहेंगे। इन्होंने पहले एंग्लो इंडियन का छीना था, आपको पता होगा एंग्लो इंडियंस की लोकसभा में। और इसके अलावा अखिलेश ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल पर भी प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग को लेकर निशाना साधा। बिना उनका नाम लिए उन्होंने कहा कि ये सुनने में आ रहा है कि एक मंत्री आरक्षण खत्म करने को लेकर चिल्ला रही हैं। जो भी ऐसे लोग हैं जिन्हें आरक्षण खत्म होने की चिंता है, चाहे वो लखनऊ में हो या दिल्ली में, फौरन बीजेपी छोड़ दें।